अपर पंचरू की बताहन बरोहल के रास्ते में एक विशाल बांस का झुंड एक सप्ताह पहले आग लगने से जल गया और बीच रास्ते में गिर गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस पर बांस के झुंड को हटाने वाला कोई नहीं। ये रास्ता हजारों लोगों के लिए शॉर्टकट है। इस मार्ग पर पंचायतों ने 5 लाख रुपए खर्च कर कंक्रीट बनाया है, लेकिन बांस गिरने से सड़क की कीमत शून्य हो गई। आलम यह है कि इस गिरे बांस को हटाने की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, जबकि पहले इस पर अपना हक जताया जाता था। न प्रशासन, न पंचायत, न मालिक इस झुंड को हटाने की जहमत उठा रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच की रिपोर्ट। आप सब लोगों को विदित है कि गर्मी का मौसम पूरे स्विंग पे है और पानी की जो कंजम्पशन है एकदम इस सीजन में बढ़ जाती है, तो आप लोगों से ये विभाग गुजारिश करता है कि आप पानी का जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सदुपयोग करें। इसमें सबसे जरूरी है कि नलों को व्यर्थ चलता हुआ ना छोड़े। जब इसका पानी आप भर लेते हैं तो नलकों को आप एकदम पानी भरने के बाद बंद कर दें, क्योंकि अगर आप नलकों को खुला छोड़ेंगे तो 3-4 हजार लीटर पर डे पानी वैसे ही टपकते हुए नलों से, या कोई अगर थोड़ा कम बंद करते हैं उससे जो पानी जो है बहुत वेस्ट हो जाता है। दूसरा, जो पानी का इस्तेमाल जो है पेयजल को सिंचाई में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर सिंचाई में अगर पेयजल का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पेयजल का बड़ी किल्लत हो सकती है। विभाग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है कि सब लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी इस गर्मियों में मिल सके।